हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विवेरियन चैनल में। तो दोस्तों, बुरा नहीं मानिएगा, होली है। तो मैंने सोचा क्या आप सभी के लिए एक होली पर रेसिपी एक आप सभी के लिए शेयर कर दूं। तो आज हम होली पर रेसिपी बना रहे हैं, बहुत एकदम टेस्टदार मिठाई। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप सभी के, खेल लीजिए होली, तो बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों। होली है, होली है, होली है, होली है, होली है, आप सभी के लिए होली है। तो चलिए दोस्तों, अब मिठाई बनाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हम मिठाई बनाने के लिए सब सामग्री ले आए हैं। ये देखिए, ये आटा है, घर में जो रोटी बनाते हैं वही वाला आटा है। मैदा का हम मिठाई नहीं बनाएंगे। तो मिठाई मतलब आटा वाला जो मिठाई होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर ऐसे ही मना करता है कि मतलब मैदा ज्यादा मत खाया कीजिए। तो हम घर पर मिठाई बना रहे हैं, आटा का ही बनाएंगे। सिर्फ आटा इसमें लगेगा और चीनी लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। एकदम आसान तरीका से बनाएंगे, एकदम ईजी है। तो चलिए, ये देखिए, ये हम आटा ले लिए हैं। इस कटोरी से हम दो कटोरी लेंगे पहले आटा। ये देखिए, एक कटोरी का नाप रखिएगा। ये दो कटोरी लिए, जैसे आप लोग भी बनाइएगा तो कोई भी बर्तन नाप लीजिएगा, जैसे कटोरी हो, कप हो, उसी से नाप लीजिएगा। ये हम ले लिए और इसमें हम सादा तिल है, इसमें हम दो चम्मच तिल ऐड करेंगे। ये देखिए, ज्यादा नहीं दीजिएगा, इतने देंगे। और चुटकी भर नमक दे देंगे, ज्यादा नहीं, चुटकी भर नमक देंगे, एकदम चुटकी भर, ज्यादा नहीं दीजिएगा। और इसमें ये कोकोनट है, इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं इसी में, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और ये हरी इलायची है चुटकी भर, ये भी इसका दे देते हैं, कूट लिए हैं, ये भी दे देते हैं। ये सारा सामग्री हो गया। अब इसमें हम एक कप घी है, देसी घी है, इसी से हम पहले मस लेंगे। देखिए, इससे खस्ता बनेगा। ये देखिए, इसी से पहले मस लेंगे और मसलते हुए इसका हम देखेंगे कि क्या इसका मतलब, जैसे मसलते मसलते मुट्ठी बना जाएगा तब इसका मतलब आसान तरीका ही हो जाएगा, माने असली तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही सानिए और पूरा मसलिए, ऐसे ही और लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए घी दे करके हम जो ये मसल रहे हैं, तो मतलब इतना मसलिएगा, इतना सानिएगा, इतना घी दीजिएगा, देखिए पता चल जाएगा इसको पता कैसे लगाएंगे, जो कि सही हमको सही तरह से ही मतलब तैयार हो गया है। तो ये देखिए, देखिए बना गया, तो उंगली दाबने से फूट गया, यही इसका तरीका है। तो ये वाला नहीं दीजिएगा घी, तो खस्ता नहीं बनेगा। तो घी दीजिएगा तो खस्ता बनेगा, इसीलिए हम घी दे दिए। अब इसको हम पानी से सानेंगे। तो देखिए, जितना पानी लगेगा, जैसे आटा सानते हैं रोटी बनाने के लिए, और सही आटा हमको सानना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए और इसको पहले गूंथिए, ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा टाइट, नहीं तो बाद में मिठाई बनाते समय दिक्कत हो जाएगा। एकदम आराम से सानिए इसको, ज्यादा पानी नहीं देना है। तो दोस्तों देखिए, हम आटा गूंथ लिए हैं, देखिए कितना सॉफ्ट आटा है। देखिए देखिए, इसी तरह से आटा सानना है। देखिए, अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं, तो थोड़ा सूखेगा नहीं। देखिए, लगा दिए, अब सॉफ्ट हो गया। देखिए, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। ये हो गया, अब इसको हम रख देते हैं ढक करके। उसके
इसी का बीच में हम सीरा बना लेते हैं, यानी कि चाशनी। तो चलते हैं हम चाशनी बनाने के लिए। तो हम आग जला लिए हैं, कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। चाशनी बनाने के लिए पहले चीनी डालते हैं। ये देखिए एक कटोरी चीनी है, ये कढ़ाई में हम डाल दिए। अब इसी कटोरी से आधा कटोरी पानी देना है। चाशनी ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, गाढ़ा बनाएंगे। ये देखिए आधा कटोरी पानी दे रहे हैं। चीनी जब तक लेने गलेगा तब तक करछी से चलाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों चाशनी मेरा बन रहा है, अभी तक परफेक्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। ये देखिए ये चाशनी को जब चेक करेंगे तो ये देखिए ऐसे चेक करना है, ऐसे ऐसे जब तार बन जाएगा, हल्का हल्का चिटचिटा लगने लगेगा मधु जैसा, तब सोच लीजिए तैयार हो गया। तो अभी एक मिनट और लगेगा। तो देखिए दोस्तों मेरा चाशनी तैयार हो चुका है। ये देखिए इसका चेक इस तरह होता है, ये देखिए मधु जैसा बन गया। ये देखिए हल्का हल्का तार बन रहा है, देख रहे हैं। यही तरीका है इसके चाशनी का। ये देखिए ये देखिए, अब इस चाशनी को हम उतार देते हैं। अब दूसरा कढ़ाई में हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा चाशनी तैयार हो गया है। देखिए दूसरा कढ़ाई में हम चाशनी को रख लिए हैं। अब आटा निकाले हैं। देखिए आटा मेरा सेट हो गया है। देखिए 10 मिनट ही फूल गया है, अभी रेडी हो चुका है। अब इसको हम बनाएंगे मिठाई। ये देखिए इस पर ले आते हैं। अब इसको क्या करना है, पहले रोल बनाना है। ऐसे लंबा करते हुए ऐसे ऐसे इसको पहले हम रोल बनाएंगे। तो रोल बनाने के लिए चाकू नहीं लाए हैं रे, थोड़ा कृपया कोई ला दो, चाकू ला देना बाबू। चाकू ला, चाकू। हाँ तो दोस्तों देखिए हम आटा को रोल बना लिए हैं। अब इस तरह का लंबा रोल बना लीजिएगा, तब इसको पेड़ा पेड़ा काटना पड़ेगा। तो देखिए अब हम कट करेंगे इसको। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा कट करेंगे, जैसे रोटी बनते हैं उसी हिसाब से काट लीजिए इसको। देखिए टोटल मेरा कट गया है। अब इसको उठा उठा करके पहले हम पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए ये देखिए इस सारा पेड़ा हम बना लेंगे, उसके बाद रोटी जैसा बेलेंगे। तो देखिए दोस्तों सब इसी तरह हम पेड़ा बना लिए हैं। अब पेड़े को हम पहले बेलेंगे। तो बेलन और चक्की में हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, तो अच्छी तरह से मेरा रोटी गलाएगा। ये देखिए लगा लिए। अब सारा रोटी पहले हम बेलेंगे। देखिए रोटी जैसा बेलना है, एकदम आराम से बेला जाएगा। ऐसे बेल करके सब सारा रोटी हम टोटल 11 है, 11 को हम इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे मिठाई। तो देखिए दोस्तों एकदम रोटी जैसा हम बना लिए हैं, इसी तरह का सारा हम रोटी बना लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए एकदम पतला बेले हैं, एकदम रोटी जैसा बने हैं। अब इसी तरह हम दूसरा पेड़ा बेलेंगे। तो देखिए दोस्तों फिर हम दूसरा रोटी हम बेल लिए हैं। इसी तरह से सब सारा रोटी हम बेलते बेलते रखेंगे। यहाँ एक दूसरे के ऊपर ही रख रहे हैं। अब फिर तीसरा लिए। तो दोस्तों बेलते समय अगर यदि दिक्कत हो तो थोड़ा सा घी ऊपर में लगा सकते हैं। ये देखिए ताकि बेलन में चिपके नहीं। अगर दिक्कत हो तब, और नहीं दिक्कत हो तो इसी तरह बेल लीजिएगा।
तो देखिए दोस्तों सारा हम रोटी बेल लिए हैं। ये देखिए कितना पतला पतला बेले हैं, एकदम देखिए रोटी जैसा बेले हैं। अब सब बेल बेल करके हम यहाँ रख लिए हैं। ये देखिए थाली में रखे हैं। अब ये देखिए, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे, इसके इसके ऊपर हम एक पेथा बनाएंगे। तो पेथा हम घी और आटा मिला करके बनाएंगे। तो इसी में बना लेते हैं, इसी की कप में घी था मेरा। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए इतना घी ले लिए हैं, करीब दो चम्मच से ज़्यादा है घी। और इसमें हम दो चम्मच आटा मिलाएंगे। मैदा के जगह पर हम आटा दे रहे हैं, मैदा अभी यूज नहीं कर रहे हैं हम। तो देखिए यही वाला हम मिला करके हम पेथा बना लेते हैं और रोटी के ऊपर मिलाएंगे। ये देखिए तैयार हो गया है, आटा और घी हम मिला लिए हैं। अब रोटी के ऊपर मिलाते जाएंगे और रोटी के ऊपर रोटी साटते जाएंगे। ये देखिए हो गया। अब ये देखिए, ये चम्मच के सहारा से मिलाइए, नहीं तो हाथ के सहारा से मिलाइए, जैसे आप मिला सकते हैं। ये देखिए ये मिला दिए। अब इसी के ऊपर दूसरा रोटी दे देंगे। ये देखिए एकदम बराबर देते जाइएगा। अब इसी के ऊपर फिर पेठा डालिए। ये देखिए, और फिर हाथ से मिलाइए। तो देखिए दोस्तों कितना मोटा हो गया। ये देखिए टोटल 11 था, तो टोटल 11 ही हम इसमें हम साट दिए। तो देखिए मिला दिए कितना मोटा हो गया। अब इसके ऊपर में हम घी नहीं देंगे, जो घी वाला पेठा जो बनाए थे वो वाला नहीं देना है। अब इसको हम थोड़ा सा हम बेलेंगे। ये देखिए हल्का हल्का बेलेंगे। ये देखिए बेल करके चारों ओर से मिला लेंगे। उसके बाद इसका फिर हम रोल बनाएंगे। वो हो गया। ये देखिए बेल लिए। अब इसको हम फिर से रोल बनाएंगे। देखिए ये जो है ऐसे उठा करके और मोड़ते जाएंगे। देखिए ये देखिए ऐसे दबाते जाइएगा, ऐसे ऐसे, और फिर चारों ओर गोलाई हो गया। अब तो थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। ये देखिए हो गया। अब इसको हम कट करेंगे, फिर पेड़ा बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये हम चाकू ले लिए हैं और ये रोल बन करके रेडी हो गया है। अब फिर इसको हम काटेंगे। ये देखिए एकदम पतला पतला कटना है। बाद में कट लेंगे। ये देखिए हो गया। ये देखिए इसमें देखिए बीच में लेयर दिखा रहा है। देखिए सब में दिख, ये देखिए, ये देखिए ये जो है बीच में जो भी लेयर दिखा रहा है ये दिखना चाहिए। ये देख रहे हैं, ऐसे हम हाथ से थोड़ा सा दबा दबा करके बना देंगे, थाली में रखते जाएंगे। ये देखिए जब ये तेल में उबलेगा तो इसका जो ये लेयर है ये छूटेगा, तो इसी में चाशनी में डूब जाएगा, चाशनी इसका अंदर फैल जाएगा। देख रहे हैं, ये देखिए चारों ओर से ऐसे ऐसे कर दीजिएगा और ये जो बाई साइड वाला जो है ये वाला दबा दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए है ना, ऐसे बनाते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इतना सारा हम मिठाई बना लिए हैं। अब इसको हम पहले तलेंगे, तभी मिठाई का शेप ले लेगा। तो दोस्तों देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है।
अब यहीं पर हम मिठाई डालते हैं, थोड़ा तेल थोड़ा कम टेम्परेचर में रखिएगा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो पहले जल जाएगा, तो थोड़ा हल्का हल्का गर्म हुआ है, अब हम इसको डाल देते हैं। देखिए देखिए जैसे डालिएगा तो एकदम जल्दबाजी में बबल नहीं आएगा, तो ऐसे ही हिसाब से डालिए है, जो कि मतलब थोड़ा हल्का गर्म रहे तेल। देखिए अब धीमे धीमे आँच में इसको पकाना है। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा ही पक रहा है, और वो अपना सेक ले लिया है, देखिए बीच बीच में फट रहा है। जो हम 11 का लेयर जो बनाए थे 11 रोटी का, वो बीच बीच में देखिए लेयर निकलने लगा। ये देखिए ये मेरा रिफाइन तेल है, आप लोग हो सके तो घी में तल सकते हैं, तो हम अभी रिफाइन में हम तल रहे हैं। तो देखिए इसी तरह हम उलट पुलट करके हम पका रहे हैं, एकदम ज़्यादा आंच नहीं दीजिएगा, एकदम इसका नॉर्मल रखिएगा आंच, तब ये पकेगा। ये देखिए कितना अच्छा अपना शेप ले लिया है, देखिए देख रहे हैं, देखिए कितना एकदम शेप ले लिया है अपना, ये देखिए एकदम अच्छा एकदम से इसमें जब चाशनी जब घुस जाएगा तो एकदम उतना ही एकदम से खस्ता बनेगा। ये इसी तरह उल्टा पुल्टा करके पकाइए, ये देखिए थोड़ा थोड़ा लाल दिख रहा है, इसी से तरह हम पका लेंगे पहले। तो देखिए दोस्तों ये देखिए अच्छी तरह से इसको हम तल लिए हैं, कितना बढ़िया एकदम करारा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, कितना अच्छा एकदम परफेक्ट एकदम बन गया है, ये देखिए इतना सुंदर दिख रहा है, जितना लेयर हम दिए थे उतना लेयर ही ले लिया है अपना। अब इसको हम अब दूसरा फिर हम डालते हैं, अब फिर थोड़ा बचा है ये वाला डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों सारा मिठाई हम छान लिए हैं, अब इसमें हम चाशनी में डाल रहे हैं, ये देखिए और इस तरह से मिला दीजिए, कितना एकदम परफेक्ट मिठाई बन गया है। ये देखिए कितना एकदम अच्छी तरह से एकदम खस्ता मिठाई बना। अब देखिए इसको तोड़ करके दिखाते हैं, ये देखिए ये देखिए एकदम जैसे एकदम गाजा मीठा आप लोग खाते हैं ना, एकदम उसी तरह का उसी का एकदम फ्लेवर इसको भी इसमें मिलेगा, और एकदम मस्त खाने में एकदम खस्ता लगेगा। तो दोस्तों आप लोग जो मिठाई खाते हैं बाजार से खरीद करके वो वाला मिठाई और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ये अंतर रही यही बस इतना रह गया, जो समझ लीजिए बाजार का मिठाई जो हलवाई बनाते हैं तो हलवाई का मिठाई मतलब मैदा का रहता है, तो सेहत के लिए बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। तो आप लोग मेरे तरफ से रिक्वेस्ट यही है जो कि होली के शुभ अवसर पर आप लोग बनाइए घर पर आटे का मिठाई और खाइए और बच्चों को खिलाइए और एंजॉय लीजिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए कितना सुंदर हम मिठाई बना लिए हैं, आप लोग भी इसी तरह बना करके खाइएगा। तो लीजिए दोस्तों मिठाई मेरा रेडी हो गया है, अगर मेरा रेसिपी मिठाई वाला अगर अच्छा लगा तो एक बार जरूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा होली के शुभ अवसर पर। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।